नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर जिन पर नजर। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर शांति समझौते का आज 100वां दिन है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे दो दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। सेना प्रमुख ने एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। तो चलिए जानते हैं सेना प्रमुख ने दौरे पर क्या कुछ कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर शांति समझौते का 100वां दिन पूरा हो चुका है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे बीते बुधवार को दो दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। सेना प्रमुख ने एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। बाद में उन्होंने राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर पहुंचने के बाद जनरल नरवणे ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी पी पांडे के साथ आंतरिक इलाकों की इकाइयों का दौरा किया, जहां पर स्थानीय कमांडरों ने सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में सेना प्रमुख को अवगत कराया। जनरल नरवणे को युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों और आतंकवादी रैंकों पर भर्ती करने में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें नाकाम करने को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानकारी दी। स्थानीय आतंकवादियों के आत्मसमर्पण और युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के प्रयासों पर भी चर्चा की गई। सैनिकों से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने जवानों और कमांडरों को कोविड-19 और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की दोहरी चुनौतियों से लगातार लड़ने के लिए उनकी सराहना भी की। बता दें कि इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर शांति बनाकर रखेंगी, मतलब दोनों देश फायरिंग और गोलाबारी नहीं करेंगे। अगर सैनिक ऐसा करते भी हैं तो दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स बातचीत से मामले को सुलझाएंगे। इस समझौते के बाद से एलओसी पर ना तो कोई फायरिंग की घटना सामने आई है और ना ही कोई गोलीबारी की घटना सामने आई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रिक्स समिट आयोजित करने को लेकर नई दिल्ली की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल समय में चीन, भारत और सभी ब्रिक्स देश एकजुटता के साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलिए जानते हैं वांग यी और ब्रिक्स समिट के दौरान और क्या कुछ कहा गया। भारत के खिलाफ हर कदम पर साजिश रचने वाले चीन ने ब्रिक्स समिट आयोजित करने को लेकर नई दिल्ली की तारीफ की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर किए गए भारतीय प्रयास सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन और सहायता की पेशकश की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में अपने संबोधन में वांग यी ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत ने निरंतरता, एकीकरण और सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी लगन से काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि इन तीन स्तंभों पर सहयोग को आगे बढ़ाने, ब्रिक्स तंत्र को मजबूत करने और ब्रिक्स सहयोग की गति बनाए रखने के लिए 100 से अधिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भारत के प्रयासों के लिए उसकी सराहना करता है। हम ब्रिक्स देशों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि भारत को अध्यक्ष के रूप में समर्थन दिया जा सके और इस वर्ष के ब्रिक्स सहयोग में ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। वांग यी ने अपने प्रारंभिक संबोधन की शुरुआत कोविड-19 संक्रमणों की नई लहर के गंभीर प्रभाव से की।
वांगी ने कहा कि इस मुश्किल समय में चीन भारत और सभी ब्रिक्स देशों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। मेरा मानना है कि चीन सहित सभी ब्रिक्स भागीदार भारत को आगे भी समर्थन और सहायता प्रदान करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि भारत निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बैठक में ब्रिक्स देशों के अन्य मंत्रियों के साथ विचारों का आदान प्रदान, समन्वय और आम सहमति बनाने के लिए उत्सुक हैं। बता दें कि साल 2012 और 2016 के बाद ये तीसरी बार है कि जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। वैज्ञानिक लंबे समय से क्लाइमेट चेंज को लेकर सावधानी बरतने को कह रहे थे, लेकिन उन चेतावनियों को लगभग नजरअंदाज किया जाता रहा। ऐसे में परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से दो खास तरह के पैथोजेंस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि समंदर में पाए जाने वाले ये पैथोजेंस किस तरह से मानव को हानि पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से क्लाइमेट चेंज को लेकर सावधान करते रहे हैं, लेकिन उन चेतावनी को लगभग नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे में पर्यावरण परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा जीव तेजी से बढ़ सकता है जो इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का दावा है कि दो खास तरह के पैथोजेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये पैथोजेंस समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन अब मजबूरी में किनारों की तरफ बढ़ रहे हैं और इस शताब्दी के आखिर तक दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट सांद्रा गांव ने दावा किया है कि इंसानी दिमाग को खा जाने वाला अमीबा नाएग्लेरिया फॉलेरी और इंसान शरीर को गला देने वाला बैक्टीरिया विब्रियो अब इंसानों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। पर्यावरण में तेजी से बढ़ रही गर्मी की वजह से ये पैथोजेंस अब इंसानों के बीच पहुंच रहे हैं। अभी तक नाएग्लेरिया फॉलेरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कम ही मिलते थे, लेकिन अब अमेरिका के फ्लोरिडा टेक्सास जैसे राज्यों में समुद्र के किनारे भी ये अमीबा मिले हैं। यही नहीं, मैरीलैंड जैसे राज्यों में इनके मिलने का मतलब है गंभीर खतरा, और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ही समय में इंसानों के लिए खतरा बनकर उठ खड़े होंगे। विशेषज्ञों ने कहा है कि नाएग्लेरिया फॉलेरी का इन्फेक्शन होने के बाद उसका इलाज करना बेहद कठिन है। ये तेजी से फैलता है और इंसानी दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसकी वजह से दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली में सूजन हो जाती है, जिसके बाद उसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार तो इसके लक्षणों का पता चलने से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बोर्ड के मुताबिक विब्रियो की वजह से त्वचा के नीचे के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। जब त्वचा कहीं कहीं से फट जाती है तो उस जगह के बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं। इस वजह से मांस गलने का रोग हो जाता है। जिन लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है उनमें इसके होने का खतरा ज्यादा होता है। चीन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो उसे पश्चिमी देशों से 30 साल आगे कर देगी। ये चीन ने दावा किया है। भविष्य में उड़ने वाले हाइपरसोनिक विमानों के प्रशिक्षण के लिए हाइपरसोनिक टनल बनाने को लेकर किया गया है। इस टनल में विमानों का प्रशिक्षण ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा रफ्तार से किया जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं इस टनल की खूबियों के बारे में। चीन ने यह दावा किया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो उसे पश्चिमी देशों से 30 साल आगे कर देगी। चीन ने यह दावा भविष्य में उड़ने वाले हाइपरसोनिक विमानों के परीक्षण के लिए हाइपरसोनिक टनल बनाने को लेकर किया है। इस JF-22 टनल में विमानों का परीक्षण ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा रफ्तार से किया जा सकेगा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शो से चीन, अमेरिका, यूरोप जैसी शक्तियों से लगभग 20 से 30 साल आगे निकल जाएगा, जबकि चीन के अलावा अमेरिका और रूस आदि देशों ने मिसाइलों सहित हाइपरसोनिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी को लेकर भारी भरकम निवेश किया है। इस नई तकनीक से बने सुपर फास्ट जेट 1 घंटे में धरती के 3 चक्कर लगा लेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाइपरसोनिक विमान की लागत में 90% से अधिक की कटौती की जा सकती है। ऐसे में आम लोगों के लिए भी अंतरिक्ष यात्रा पर जाना आसान हो सकता है। चीन की हाइपरसोनिक एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिक्स के साथ काम करने वाले गुडलई ने कहा है कि इतनी गति से यात्रा करने वाले जेट 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हवा के अणुओं को परमाणुओं में तोड़ सकता है। इस विमान को इतना सक्षम बनाने के पीछे की वजह उस हवा में उड़ान भरना नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं, बल्कि ये कीचड़ में तैरने जैसा है। अमेरिका की सबसे एडवांस विंड टनल लेंस सेकंड में फ्लाइट्स 30 मिलीसेकंड तक चलती है, जबकि चीन की JF-22 टनल में औसत फ्लाइट सिमुलेशन 130 मिलीसेकंड तक पहुंच सकता है। इस उपलब्धि को लेकर गुडलई ने कहा है कि चूंकि हमारे शोध का समय अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे विमान का मॉडल उनके मॉडल से बड़ा हो सकता है, साथ ही उनके मुकाबले अधिक उन्नत हो सकता है। ये दुनिया में हमारी अग्रणी स्थिति को निर्धारित करता है। तो ये खबरें थी जिन पर थी हमारी नजर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।